वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। वेक्टर्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास फिजिक्स में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एक हमारे पास होते हैं स्केलर्स और एक हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वेक्टर्स। जैसे कि इस फिगर में भी आपको शो किया जा रहा है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज शो की गई हैं, कि एक फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं उसमें हमारे पास एक स्केलर्स होते हैं और एक हमारे पास वैक्टर्स होते हैं। और स्केलर्स और वैक्टर्स में जो फर्क है स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्केलर्स को डिफाइन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है कि यूनिट विद नंबर विद अ यूनिट, यानी कि आप जिस तरह से अगर मैं लिखती हूँ कि मेरे पास अगर मैं स्केलर की बात कर रही हूँ तो मैं जैसे मास की बात करूंगी तो मैं 4 kg मास है, ठीक है, क्योंकि मास हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, 4 नंबर है और केजी जो है वो हमारे पास यूनिट है जो कि मास का है, तो ये उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और मास को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती, इस वजह से वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इस तरह हमारे पास दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं फोर्स की बात करती हूँ जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, तो उसमें मैं कहती हूँ कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन की फोर्स है तो मुझे सिर्फ ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं कितनी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, बल्कि मुझे उसकी डायरेक्शन बताना भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे मैं ये जो फोर्स लगा रही हूँ ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, इसको मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्केलर और वेक्टर में जो है वो बेसिक डिफरेंस पता चला। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम वेक्टर्स को जो है वो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि उनको एक दूसरे के साथ जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका आपस में जो है रिलेशन देख सकते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसमें हम वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। और उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहली टाइप जो है स्टूडेंट्स वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ये दो तरह की मल्टीप्लीकेशन है जो कि वेक्टर्स में हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से होता है, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक डायग्राम दिखाई जा रही है उसमें हमें स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, यानी कि ये जो आपको डायग्राम मैंने शो किया है ये हमारे पास किसकी है, स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जो है वो हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो है वो इसमें शो किया गया है कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर की जो आप डायरेक्शन देख सकते हैं, और ये हमारे पास उसकी वेक्टर को जो है हमने यहाँ ड्रॉ किया, और बी वेक्टर जो है हमारे पास ये है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या एंगल है, थीटा एंगल है। और अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहती हूँ, यानी कि इन दोनों को आपस में जो है इनका, आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं, तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि ये आप जो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, उसका जो है वो जो रिलेशन उनके दरमियान जो खुलता है वो हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ मैं इसको, इसका जो सेकंड नेम है वो भी लिख देती हूँ कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है, ठीक। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट आ जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, उसकी भी डायग्राम आपको शो करा देती हूँ। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट की डायग्राम। अगर वेक्टर प्रोडक्ट में देखा जाए स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, उसी तरह हमने दो वैक्टर्स ले लिए हैं, ए और बी हमारे पास वैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए वैक्टर है, ये हमारे पास बी वैक्टर है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए क्रॉस बी से करते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट का जो सेकंड नेम है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स के दरमियान, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें मैं प्रोडक्ट की स्पेलिंग थोड़ी बेहतर कर देती हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ए और बी के दरमियान जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो हम उसको, उसका जो फॉर्मूला हम खोलते हैं वो किस तरह से होता है, ये देखें, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की हमारे पास डायग्राम आ गया, ठीक है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसको अगर मैं यहाँ लिखूं, ए क्रॉस बी जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा,
इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, ठीक है। और एन हैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जो कि इसकी डायरेक्शन बताता है। अब अगर हम देखें कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये मतलब कि मैं अभी, क्योंकि हम इसको डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो मेन बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, कि जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एट द रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, स्केलर, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट आती है, ठीक है। यानी कि आप जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो हमारे पास क्या बचती है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बचती है। और लेकिन जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, सही। अब इनकी क्या रीजंस हैं कि क्यों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं और क्यों स्केलर क्वांटिटीज आती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरऑल देख रहे हैं व्यू, कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जब दो वेक्टर्स का आप जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास एक नंबर देते हैं जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली, जो दो मतलब कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो इस तरह से है, ठीक स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट्स जो है उनको भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन।